माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेडर राम। दोस्तों निफ्टी ट्रेडर राम आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे आज हम अबाउट डेटा के बारे में कि कल निफ्टी की एक्सपायरी होनी है वो क्या डेटा रहेगा। तो बेसिकली कल हमने लेट वीडियो पोस्ट किया था क्योंकि वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा है यानी पी वाई डेटा वो अपडेट नहीं हुआ था NSE के साइड पर और अभी भी अपडेट नहीं हुआ। तो क्या इसके पीछे का क्या रीजन है? क्या NSE इसको जानबूझ के डिले कर रहा है या फिर कोई एक ऐसा स्मार्टफोन या बड़ा प्लेयर है जो उसको उसके वे में हो ही रहा है कि भाई डेटा लेट पेस्ट करो, सारे लोग देखते हैं क्योंकि ये देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। उसके बाद भी आपको उसका एनालिसिस जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो देखेंगे अभी उसके अगर बगैर आपको अगर चाहिए, मान लीजिए NSE वो डेटा नहीं देता है तो क्या हमारी जो एनालिसिस एक्यूरेट हो रही है नहीं हो रही है, उस चीज़ों को भी हम यहाँ पर देखेंगे और 100% एक्यूरेट होगी। तो बेसिकली कल भी मैंने उस डेटा के बिना ही पोस्ट किया था कि मार्केट ऊपर रहेगा और टारगेट हमारा आपको ऊपर जो 25,150 का टारगेट था वो आसपास ही मार्केट गया लगभग। तो आज देखते हैं कि डेटा में क्या इंडिकेशन कर रहा है बेसिकली यहाँ पे। तो चलिए यहाँ थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अभी समरी के तौर पे कि जो नेक्स्ट कल एक्सपायरी होना है इसमें क्या पोजीशन बना हुआ है। 29th का जो यहाँ पे निफ्टी का एक्सपायरी होना है 24,900 यहाँ 13 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 25,175 का, न्यूट्रल पॉइंट 25,044, क्लोजिंग मार्केट उसी के पास दिया है। अब इसमें अगर आप देखें 63% राइटर के यहाँ वहाँ पे ITM में बैठा हुआ है वो कॉल की तरफ 63%, और ATM में भी 57% है, OTM में 53% है, ओवरऑल 56% है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोजीशन बायर 75% कॉल में, 40% ATM में, OTM में यहाँ पे 71% बायर हो वो पुट में बैठा हुआ है, ओवरऑल 50-50% दोनों साइड बायर है लेकिन राइटर थोड़े से ज़्यादा है। अगर ये डेटा के आधार पर देखें तो मार्केट यहाँ पे लग रहा है कि आपको स्लाइटली बेयरिश है। मंथली रेंज 25,108 यानी ऊपर है, ओवरऑल 25,100-25,150 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग आज होनी थी लेकिन मार्केट नीचे आ गया। आप देख सकते हैं 25,052 यानी मार्केट आपको दिखाया गया कि ऊपर से सेलिंग हुआ है। शॉर्ट कवरिंग पॉइंट अभी 25,500 है, इसको भी हम चर्चा करेंगे इसका मीनिंग क्या है। बेसिकली आप अगर इस दोनों डेटा के ऊपर ध्यान दें, क्लोजिंग इसके इसके बीच होनी थी और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग पॉइंट है तो ये कल वर्क करेगा लेकिन 10:30 के बाद मैं आपको मैसेज जरूर करूँगा लाइव का डेटा में। स्लाइटली अगर नीचे आता है तो आपको क्या पोजीशन नीचे के साइड का नहीं बनाना है। आप ऑलवेज अभी देख रहे हैं मार्केट में क्या हो रहा है, ऊपर ओपन हो रहा है थोड़ा सा नीचे करके और उसे दोगुना ऊपर चला जा रहा है यानी वहाँ पे आपका पोजीशन निकाला जा रहा है। आप लग रहा है कि ये टॉप बन रहा है, टॉप बन रहा है, फिर वो मार्केट डेली ऊपर जा रहा है डेली। अब हम अगर पूरे ऑप्शन चेन की डेटा देखें तो अगर राइटर के प्रोस्पेक्ट देखें 24,800 यहाँ पे क्या है राइटर बैठा हुआ है, कॉल साइड में 26,000 यहाँ पे है जो कि बहुत ऊपर है। तो ये डेटा तो यहाँ से बुलिश इंडिकेशन कर रहा है। बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी हो गया, नेक्स्ट यहाँ पे इसकी वीकली एक्सपायरी है, 51,050 का सपोर्ट, रेजिस्टेंस 51,250, न्यूट्रल पॉइंट के पास ही मार्केट क्लोजिंग है 51,143 का, इसमें थोड़े से राइटर है वो कॉल में बैठा हुआ है। तो बैंक निफ्टी आज बेयरिश था, मैसेज भी हमने किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसकी भी डिस्कस करेंगे। पुट साइड यहाँ पे थोड़े बाहर हैं, बैंक निफ्टी स्लाइटली बेयरिश रहा था लेकिन मुझे कल मैक्सिमम फोकस करना है निफ्टी के ऊपर, ओवरऑल 51,100-51,050,900 पे है। और कल हमने इसकी भी चर्चा की थी कि राइटर 51,200-52,000-51,500 के ऊपर बैठे हुए थे तो वो ऊपर नहीं जाने देंगे मार्केट को। अभी भी फिलहाल देख सकते हैं 51,200-51,300-51,500 यहाँ पर राइटर बैठा हुआ है। अब इस दोनों डेटा में 51,000 पे जो राइटर है वो 13% ज़्यादा है रेस्पेक्ट टू 51,100 से, और 51,500 पे जो है वो 25% ज़्यादा है रेस्पेक्ट टू 50,900 से। तो कॉल वाले थोड़े ज़्यादा हैं, पुट वाले 51,000 पे बैठे हैं, मार्केट 51,000 के नीचे भी नहीं जाएगा। फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी, ओवरऑल अगर फिन निफ्टी का डेटा देखें 23,500 सपोर्ट, रेजिस्टेंस 550, न्यूट्रल पॉइंट 531, राइटर ITM में 64% पुट में है, ATM में 55,
OTM 35 ओवरऑल 47, यानी ओवरऑल थोड़े से राइटर यहाँ पे बैठा हुआ है। इन द मनी भी राइटिंग करके गया है, तो जो इन द मनी राइटिंग करके गया है वो ऑब्वियसली चाहेगा मार्केट ऊपर रहना, लेकिन थोड़े से पुट में यहाँ पे बायर हैं, तो ये मार्केट मैक्सिमम आपको नीचे तो नहीं लाएंगे, ला सकते हैं थोड़ा मोड़ा, वो कहाँ तक लाएंगे हम इसको देखेंगे। स्लाइटली यहाँ से बेरिस कर सकते हैं डेटा, स्लाइटली फिन निफ्टी का। और आप मिड कैप निफ्टी देखें, 52% राइटर है वो पुट में बैठा हुआ है, बायर भी है लेकिन राइटर का यहाँ पे ज़्यादा वेटेज देना है, ये स्लाइटली बुलिस है। सपोर्ट 13,044 13,155 का रेजिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट के पास मार्केट की क्लोजिंग है। मेन डेटा यहाँ पे वो भी देखेंगे सबसे पहले कि हम मेन डेटा क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस एक्शन देखते हैं। अभी आप देखें कि कल का मेरा टारगेट ये तो 51,127 का टारगेट था दोस्तों, ये टारगेट मेरा अभी हिट हो गया। नेक्स्ट टारगेट यहाँ से 25,290 तो ये क्या 25,290 या फिर 25,200 का टच करेगा। अभी यहाँ पे फिलहाल सपोर्ट अगर इसका देखें 25,000 का सपोर्ट ये है, और रेजिस्टेंस यहाँ से 25,150 फर्स्ट, 25,260 यहाँ पे सेकेंड है। तो हमें जैसे ही सपोर्ट के पास मिलता है एक अच्छी पोजीशन थोड़े से रिस्क के साथ हम बना सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट तीन दिन से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। डेली वाइज आप देख सकते हैं ओपन हो रहा है, गैप अप फिर कंसल्टेशन, गैप अप कंसल्टेशन, गैप अप कंसल्टेशन, ऐसा चल रहा है मार्केट में, प्रोबेबिलिटी है ऊपर के आने की। बैंक निफ्टी बेरिश था इसलिए जो ऊपर वाला लेवल 51,268 ये लेवल हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था। इसके बाद सपोर्ट 51,118 का था, यहाँ पे मार्केट आके क्लोजिंग इसके आसपास दिया। फिलहाल सपोर्ट अभी इसके लिए यही है 51,100, रेजिस्टेंस 51,287, और जैसे 87 निकलेगा 51,485 का ये लेवल हो जाएगा ऊपर साइड का। चलिए फिन निफ्टी अगर देखें हम और मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी भी बिल्कुल अभी जो 23,550 आप ये लेवल देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है ऊपर के टॉप में कंसोलिडेशन कर रहा है, तो अगर फिर एक बार अगर इसको ये धक्का देता है यहाँ से तो ये पोर्शन वीक हो जाएगा और टारगेट हमारा 23,642 का होगा ऊपर में। तो फिलहाल अभी यहाँ पे सपोर्ट 23,460 का है, ये सपोर्ट है, और ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो फिर यहाँ से टारगेट 23,300 एंड 23,250 का टारगेट हो जाएगा। ऊपर का टारगेट हमारा लिमिटेड है 23,550 एंड 642। मिड कैप निफ्टी आप देखें कि बिल्कुल अपने वही सपोर्ट जोन में, पहले जो इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था अभी ये क्या है सपोर्ट जोन है 13,085 यानी 13,060 से लेके 85 तक की एक सपोर्ट है। यहाँ से एक्सटेंड होगा तो 13,227 का टारगेट देगा, सपोर्ट 13,000 क्या यहाँ पे आप सपोर्ट रखिए। ओवरऑल FII एंड DII की भी बात करते हैं हम, FII थोड़े से कैश में सेलिंग किए हैं, DII ने बाइंग किया है, तो डेटा आपके सामने है। अब हम शॉर्ट कवरिंग पॉइंट देख लेते हैं, शॉर्ट कवरिंग पॉइंट निफ्टी का क्या है, तो निफ्टी में सेकेंड शॉर्ट कवरिंग पॉइंट है वो नीचे है 24,800, लेकिन फर्स्ट 25,400 पे है और थर्ड जो है वो 25,300 पे है। तो बेसिकली हमारा फिन निफ्टी का भी ऐसा था, यानी ये इंडिकेशन कर रहा है कि 24,800 मैक्सिमम, जो कि वो तो हमें नहीं लगता कि पॉसिबल है, लेकिन ये दोनों इसकी वेटेज ज़्यादा है। अगर आप नंबर में देखें सेकेंड एंड थर्ड में 293 आया, यहाँ पे 292 है, बहुत ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है, जबकि फर्स्ट का नंबर ज़्यादा है 320, तो ये प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने के। और दोस्तों ये आपको 10:30 में ज़रूर अपडेट करूँगा, 10:30 क्या, चलिए अब टारगेट क्या होगा हमारा मंथली शॉर्ट कवरिंग पॉइंट हमने देख लिया कहाँ तक, जो 23,300 और 23,400 का शॉर्ट कवरिंग पॉइंट दिखा रहे हैं, आप फोर्थ भी दे सकते हैं 24,252 है। तो मेन जो है हमारा टारगेट क्या हो सकता है दोस्तों, ये देखिए ये डेटा चेंज होता है, लेकिन अभी जो फिलहाल जो पोजिशन कैरी करके गए हैं उससे टारगेट अगर मैं निकालूँ तो मेरी मंथली टारगेट 25,175 का, जिसकी प्रोबेबिलिटी 81% है। ये लाइव मार्केट में चेंज होगा मैं बता दूंगा, लेकिन अभी ये फिलहाल एंड ऑफ द डे का डेटा है, और मार्केट में देखिए कोई मार्केट को टाइम नहीं कर सकता दोस्तों, तो बायस नहीं होइएगा आप, फिलहाल का जो डेटा है वो बायस इससे नहीं होइएगा कि मार्केट खुलते ही आपने कॉल बाइंग शुरू करने दिया, वेट करिए थोड़ा सा, डेटा को बनने दीजिए,
मार्केट कहीं नहीं जाता है, नहीं तो आप फर्स्ट ट्रेड लेते हैं वहां पर लॉस करके बैठते हैं और पूरे दिन उसको रिकवर करने के चक्कर में और दे देते हैं। 9:45 के पहले कोई ट्रेडिंग सीट नहीं करिए, 9:50 पूरा जब डेटा मैच्योर हो जाता है, थोड़ा सा एक डायरेक्शन बन जाता है, तभी आप ट्रेड इनिशिएट करिए। ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, नहीं तो पूरे दिन आप फंसे रहेंगे उसी ट्रेड में रिकवर करने के चक्कर में। ओवरऑल अभी 25,175 का मंथली रेंज दिख रहा है। ये आपका क्या है, ये आपको नेक्स्ट मंथ यानी सेप्टेम्बर मंथ का बैंक का, क्योंकि अभी ये एक्सपायर हो गया है आज। वीकली इसके 51,411 का, टोटल 51,152 क्लोजिंग उसी के आसपास है। और देखिए ये क्लोजिंग टोटल के आसपास दे रहा है, यानी चारों तरफ से क्लोजिंग के आसपास वहीं पे आके दे रहा है। और फिन निफ्टी का अगर देखें जो वीकली है 23,568 क्लोजिंग उसके आसपास ही है, मंथली थोड़ा ऊपर है, टोटल भी उसी के आसपास है। और मिड कैप का जो है यहाँ से नेक्स्ट वीकली है 13,132 उसके नेक्स्ट का, टोटल भी 13,2 है, तो ये थोड़ा सा बुलिश यहाँ पे लग रहा है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो आई होप कि ये आपके पास डाटा रहा। अब मैं ऑप्शन चेन के साथ एक बार पार्टिसिपेंट वाइज का फिर से डेटा यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और देखिए कि ये डेटा क्या NSE पे अपडेट हुआ है। तो शायद दोस्तों ये डेटा अभी भी अपडेट नहीं हुआ है। अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर डेटा नहीं आया होगा तो मैं एक बार लिंक चेक कर लेता हूँ कि ये लिंक अपडेट हुआ है, यानी 28th का डेटा आ गया है, तो बहुत अच्छा है। चलिए आपके सामने मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ और एंड ऑफ द डे का डेटा में हमारा डेटा आ गया है। जस्ट 28th का डेटा 305,340 दोस्तों आ गया है, बहुत बढ़िया। चलिए अब इससे हमें यहाँ पता चल जाएगा कि क्या पोजिशन बना हुआ है। तो मैं अभी आप यहाँ पे दिखाऊँ थोड़ा सा क्या पोजीशन बना हुआ है इनकी, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों इसके लिए, मैं एक्चुअली वीडियो एडिट नहीं करता तो क्षमा प्रार्थी हैं। अभी आप देखें कि लगभग निफ्टी में 36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है लॉन्ग हुए हैं, ओवरऑल 33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी में आज कोई पोजीशन नहीं बना हुआ है। तो फ्यूचर के डेटा के साथ अगर हम एनालिसिस करें, जो इनका 35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है वो मैक्सिमम क्या है, निफ्टी में है। निफ्टी में उन्होंने क्या किया है, फ्रेश लॉन्ग किया है। हो सकता है कि ये अगले मंथ का होगा, सितंबर मंथ का, या फिर इस मंथ का भी हो सकता है दोस्तों। रिटेल ट्रेडर आज 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं लॉन्ग, इनके पास 47,000 नेट टू नेट पोजीशन आ गया है, 47,000 नेट टू नेट बेयरिश हो गए, कल ये न्यूट्रल थे। DII के पास ऑलरेडी 58,000 है, FII यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन करा है, शॉर्ट पोजिशन क्लोज किया है, तो ये यहाँ से बुलिश हो रहा है। प्रो यहाँ पे क्या है, लॉन्ग पोजीशन आज क्लोज किया है, लेकिन इसके साथ ऑप्शंस का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर का भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक फ्यूचर का। तो अगर इस डेटा के आधार पर देखें, FII ओनली बुलिश, बाकी तीनों प्लेयर यहाँ पर बेयरिश हैं स्लाइटली। स्टॉक फ्यूचर में 35% रिटेल ट्रेडर के पास पोजिशन है बुलिश का, 12% हमारे DII का है, FII के पास 12% बुलिश है, इन्होंने आज थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन बनाई, प्रो के पास 5% है, तो DII यहाँ पे बेयरिश है, बाकी तीन प्लेयर यहाँ पे बुलिश हैं। मेन ऑप्शंस का डेटा है, यहाँ ऑप्शंस का डेटा में आज मैक्सिमम दोनों साइड पोजीशन क्लोज हुआ रिटेल ट्रेडर का, अभी भी इनके पास 3,94,000 कॉल की राइटिंग है, 3.94। पुट साइड भी इनकी पोजीशन क्लोज हुई, इसके कारण पुट की राइटिंग बढ़ गई 8,54,000, तो यहाँ से थोड़े बुलिश हुए हैं। लेकिन FII 2,36,000 यहाँ पे क्या किया है, पुट कॉल की बाइंग कर रखा है, पुट साइड उसने फ्रेश आप देखें पुट की बाइंग की है 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मैं बात करता हूँ हमेशा कि जब भी अगर वो फ्यूचर में पोजीशन बनाता है तो उसके अपोजिट में ऑप्शंस का पोजीशन बनाता है ज़्यादा, इसने बाइंग किया यहाँ पे लगभग 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, राइटिंग भी किया 43, नेट टू नेट 58,000 इसके पास बाइंग है, आज फ्रेश 58,000 बाइंग किया है, 5,46,000 इसके पास कभी पुट की बाइंग है। तो अगर आप ओवरऑल डेटा देखते हैं 22% कॉल में बाइंग, सेलिंग 18.9%, 33.6% पुट में बाइंग, सेलिंग 24.7%, 5% नेट टू नेट पुट की बाइंग है इसके पास। तो देखते हैं कल की मार्केट क्या है। मेरा टारगेट ऐसे 25,167 दिखा रहा है, ऑफकोर्स मैं इसको आपको लाइव में भी अपडेट करूँगा। ओवरऑल यहाँ से थोड़ा सा ये बेरिश लग रहा है हमारा
FII, प्रो के पास कॉल की बाइंग पड़ी थी 1,79,000। आज उसने दोनों साइड पोजीशन क्लोज की, जिससे 1,55,000 अभी भी उसके पास बाइंग की पोजीशन है। और पुट साइड उसने पुट की सेलिंग ज़्यादा क्लोज की, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ये 1,28,000 ही पुट की इसके पास राइटिंग है, तो ये होल्ड नहीं करेगा बहुत ज़्यादा मार्केट को। लेकिन बाइंग है तो मार्केट गिरने भी नहीं देगा, ओवरऑल कोई फ्रेश बाइंग नहीं है। अगर ये फ्रेश बाइंग रहता तो 100% मार्केट गैप अप होता दोस्तों। लेकिन अभी भी इसके पास जो पोजीशन है तो एकाएक मार्केट नहीं गिरेगा। जैसे डेटा बेरिश होगा मैं अपडेट कर दूंगा ओवरऑल। यानी आप अगर रिटेल डेटा देखें तो बुलिश है यहाँ पे, FII बेरिश, प्रो यहाँ पे स्लाइटली बुलिश है, तो प्रो जरूर मार्केट को होल्ड करेगा और एक बार हो सकता है कि टारगेट अपना लेके जाए, जो हमने अभी बात किया। अभी सब कुछ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डिस्कस करते हैं। अगर आज का देखें तो निफ्टी स्लाइटली बुलिश, बैंक निफ्टी बेरिश, बैंक निफ्टी का यहाँ पे प्रेशर था वो जो नीचे हो रहा था, और इसके बाद निफ्टी का प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप हो गया, बैंक निफ्टी में भी बाइंग प्रेशर इंक्रीज इन निफ्टी यहाँ पर मैंने मैसेज किया। और टारगेट दोस्तों हमारा वही आप देखें 25,167 का दिख रहा था 2 PM का, लेकिन लास्ट में मार्केट नीचे आया। तो ये डेटा चेंज होता रहता है, मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि मैं 100% गलत हो सकता हूँ। आप इसके आधार पर कोई भी ट्रेड नहीं करिए दोस्तों, आप मुझे पर्सनली मैसेज नहीं करिए कि अरे मैंने ट्रेड ले लिया, ये नहीं। इस चैनल पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता, आपको अच्छा लगता है ले लीजिए, नहीं लगता है तो मत लीजिए, लॉस एंड प्रॉफिट आपका है। ना तो आप मुझे वहाँ से प्रॉफिट में शेयर करते हैं, ना मैं आपको लॉस में देता हूँ। बेसिकली हमारा जो एनालिसिस है उसको मैं शेयर कर देता हूँ, तो अच्छा लगे तो आप बिल्कुल ट्रेड करिए, नहीं करिए दोस्तों ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। कोई भी यहाँ पर रिकमेंडेशन एंड सजेशन नहीं मिलता है। मैं यहाँ पर डेटा की बात करता हूँ, डेटा सिखाता हूँ, आपको सीखना है आप सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। वीडियो अच्छा लगा जरूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए दोस्तों। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।